यूक्रेन की राजधानी कीव में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर क्रैश छोटे बच्चों की देखरेख करने वाले सेंटर और स्कूल किंडर गार्टन के पास हुआ है। हादसे में 2 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। इसमें होम मिनिस्टर डेनिस भी शामिल हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश घटना में कुल 29 लोग घायल हैं और इनमें 15 बच्चे शामिल हैं। हादसे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं।